हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे में यहाँ पर वाईफाई आइकन नहीं आ रहा है और यहाँ पर लैन आइकन आ रहा है, उस पर देखिए क्रॉस सिंबल बना हुआ आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में वाईफाई सिंबल या वाईफाई आइकन शो नहीं हो रहा है या वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इन समस्या को आप खुद से ही कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखनी है, तभी आप इस वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वाईफाई प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं कुछ 3 से 4 टिप्स बताऊंगा, जिनको आप अच्छे तरह से फॉलो करेंगे तो आप अपने वाईफाई रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है, उसके लिए हमें स्टार्ट पर जाना और कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शन पर जाना है। इंटरनेट ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें कनेक्शन पर आना है। कनेक्शन पर आने के बाद हमें यहाँ लैन सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन सेटिंग है ओपन होती है, और यहाँ पर हमें इसको ही टिक रहने देना है। अगर ये टिक नहीं है और ये टिक है दोनों, तो आपको इन दोनों को अनचेक कर देना है, इसको भी और इसको भी, और इसको आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग को आपको चेक करके ओके कर देना है। इसके बाद आपको इसे भी ओके कर देना है। अब इसके बाद हम अगली सेटिंग पर चलते हैं। तो उसके लिए हमें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें चेंज एडाप्टर सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन शो हो जाता है, जो कि वाईफाई का एडाप्टर होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिसेबल है। अगर आपके में इस तरह का डिसेबल है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, कहीं आपके में इसी तरह का तो नहीं है, तो आपको इसको इनेबल करना है। तो राइट क्लिक कीजिए और इसको इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इनेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है वो इनेबल हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई हमारे में छप आ चुका है, वाईफाई आइकन शो हो गया है। तो अगर आपके में वाईफाई इनेबल नहीं था तो आप एक बार चेक कीजिए, अगर वाईफाई इनेबल है नहीं है तो आपको इनेबल कर लेना है। इसके बाद हम अगली सेटिंग पर चलते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन पर ही राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कॉन्फिगर पर क्लिक करेंगे। कॉन्फिगर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें जो हमारा जो टीपी लिंक वायरलेस यूएसबी अडेप्टर है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, डिवाइस स्टेटस में दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि जो हमारा टीपी लिंक वायरलेस अडेप्टर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर वो साफ मेंशन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर कुछ कुछ भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्राइवर पर आना है और यहाँ पर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। जैसे अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सर्च ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो हमारा ड्राइवर है वो अपडेट हो जाएगा और ये आपके वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसके बाद हमें इसको भी क्लोज कर देना है, फिर हमें इसको भी क्लोज कर देना है। इसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसके बाद हमें माई कंप्यूटर पर जाना है, राइट क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करना है। जैसे मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट पेज ओपन होता है, यहाँ पर हमें डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। जैसे हम डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, और हमें यहाँ पर नेटवर्क एडाप्टर्स का ऑप्शन शो होता है, तो इसको हमें क्लिक करके एक्सपेंड कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टीपी लिंक वायरलेस यूएसबी अडेप्टर है। तो अगर आपके में यहाँ पर ये टीपी लिंक वायरलेस यूएसबी अडेप्टर शो नहीं हो रहा है तो आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ से स्कैन फॉरवर्ड चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम वाईफाई नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपना जैसे हमारे में टीपी लिंक वायरलेस यूएसबी अडेप्टर है इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन इसको अनइंस्टॉल कर देना है। ध्यान रहे इस पर क्लिक नहीं करना है हमें, इसको खाली छोड़ देना और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यह हमारा वायरलेस अडेप्टर जो वो अनइंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ से वाईफाई आइकन जा चुका है। तो इसके बाद अगर आपके में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज पर क्लिक करना है, या फिर हम एक्शन पर जाएंगे और स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कैनिंग होगा और हमारे जो भी ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क एडाप्टर्स में जो हमारा टिपलिंग वायरलेस यूएसबी एडाप्टर है वो सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया था, वो देखिए इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर देखिए वाईफाई आइकन फिर से आ चुका है। आपको भी इसी तरह का प्रोसेस एक बार कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हमें इसे क्लोज कर देना है। और दोस्तों अगर आपको लैपटॉप है और लैपटॉप में अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चेक कर लेना है कि जो आपके लैपटॉप में वाईफाई का जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने वाला की होती है उसको चेक कर लेना है कहीं वो ऑफ तो नहीं है। अगर ऑफ नहीं है फिर भी आपको एक दो बार उसको ऑन ऑफ कर लेना है, की को प्रेस कर देना है एक दो बार या फिर स्विच को ऑन ऑफ कर लेना है। जैसे आप क्लिक ऑन ऑफ करेंगे तो आपका जो वाईफाई है प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आप इन सभी प्रोसेस आप सभी तो आप इन सभी टिप्स को सही से फॉलो करेंगे, सही से यूज़ करेंगे तो आपकी वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो आई होप ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।